नमस्कार, क्रिकेट एडिक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में चारू पारिक। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 3 T20 मैचों की सीरीज का आज दूसरा मैच होना है। ये मैच आज नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच इंडिया ऑलरेडी हार चुकी है, तो आज के मैच के लिए सब दिल थाम के बैठे हैं, क्योंकि ये इंडिया के लिए एक डू और डाई मैच होगा। अगर इंडिया को सीरीज जीतनी है तो उसे ये मैच हर हाल में जीतना पड़ेगा। अगर आज का मैच गंवाया तो फिर सीरीज भी गंवानी पड़ेगी। लेकिन ये मैच इतना आसान नजर नहीं आ रहा। इस मैच पर काले बादलों का साया मंडरा रहा है। नागपुर में फिलहाल बारिश का मौसम बना हुआ है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। ऐसे में मैच पर भी लगातार खतरा बना हुआ है। फिलहाल ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि आज का मैच हो भी पाएगा या नहीं। वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक नागपुर में फ्राइडे को बारिश आने के 80% चांसेस हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे बाद बारिश की संभावना सिर्फ 20% है, जिसके चलते अब भी मैच होने की उम्मीद बाकी है। वहीं स्टेडियम मैनेजमेंट के सामने मैच से पहले ग्राउंड को सुखाने का बड़ा चैलेंज होगा। नागपुर में गुरुवार से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते इंडिया का प्रैक्टिस सेशन भी कैंसिल करना पड़ गया था। टीम 21 तारीख को ही नागपुर पहुंच गई थी, लेकिन तेज बारिश के कारण प्रैक्टिस कर ही नहीं पाई। जहां कल पूरा दिन बारिश में बीत गया, वहीं आज भी मैच धुलने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। अगर नागपुर के आज के मौसम पर एक नजर डालें तो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं बारिश की प्रोबेबिलिटी 80% बताई जा रही है और 64% बादल छाए रहने के चांसेस हैं। तो वहीं 33 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हवाएं चलेगी। अब अगर पिच रिपोर्ट का जिक्र करें तो आज की कंडीशंस बॉलर्स को सपोर्ट कर सकती हैं। मोहाली के कंपैरेटिवली नागपुर के मैदान में गेंदबाज ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस ग्राउंड में T20 इंटरनेशनल मैचेस में पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 151 रहा है। यहाँ लास्ट मैच इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था और इस मैच में इंडियन पेसर दीपक चाहर का जादू चला था। यहाँ दीपक ने महज 7 रन देकर 6 विकेट लिए थे। तो फिलहाल फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि आज के मैच को बारिश की मार ना झेलनी पड़े और मैच हो और इंडिया ये मैच जीत सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए क्रिकेट एडिक्टर के साथ। नमस्कार।